सो ये है वो मेन आर्टिफिशियल स्टोरेज जो बनाया गया था वाटर के लिए, तालाब है वो, एज यू कैन सी बहुत ही बड़ा है। वहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, तब हम लोग आ गए रानी की वाव से बाहर, और पीछे की तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ से हमें जो कुआ है अंदर वो दिखता है या नहीं। तो अब हम आगे पीछे की ओर जहाँ से कुआं दिखता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हम चढ़ के तो नहीं जा सकते, बट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना गहरा और कितना बड़ा है ये, जस्ट लुक एट इट। और यहाँ पे रानी की वाव और उसके आसपास काफ़ी बड़ा गार्डन है, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आराम से यहाँ पे आ सकते हैं 2-3 घंटे बैठने के लिए। काफ़ी ग्रुप्स और फैमिली वाले ऑलरेडी यहाँ पे है, आज संडे इसलिए थोड़ा सा रश है। अभी मैं जो नीचे से गाइड से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि कोरोना की वजह से कम ट्रैफिक है, वरना संडे के दिन ये पूरा जैम पैक रहता है। तो यहाँ पे अंदर वॉशरूम की और पानी की फैसिलिटी है, खाने की चीज़ें कोई नहीं मिलती, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन में, जो है सहस्त्र लिंग तालाब। ये राजा ने अपने टाइम पे यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाया था पानी स्टोर करने के लिए। अभी तो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है जैसा हमने ऑनलाइन पढ़ा था, पर फिर भी हम लोग देखने के लिए आ गए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रानी के वाव के बाद सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का जो प्लेस देखने के लिए वो यही है। और यहाँ पे भी गार्डन बना हुआ है, तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 घंटे आराम कर सकते हैं, और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यह भी तालाब का एक पार्ट है, और यहाँ पे जो हमारा गाइड था उसने बोला था कि मानसून में ये पूरा पानी से भर जाता है। तो रानी की वाव के साथ साथ ये जो प्लेस है, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंडर में आता है, इसलिए यहाँ पे गार्डन बनाया गया है। थोड़ी सी साफ़ सफाई है कंपेयर टू अदर प्लेसेस, जो ऐसे पुराने प्लेसेस है उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छी तरीके से ये सही कंडीशन में रखा गया है, सो गुड जॉब। तो ये है वो मेन आर्टिफिशियल स्टोरेज जो बनाया गया था वाटर के लिए, तालाब है वो, एज यू कैन सी बहुत ही बड़ा है। वहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, वहाँ वो सर्कुलर है और यहाँ से पूरा पानी का नहर निकलता है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी दिखाते हैं आपको। बाय द वे रानी की वाव की तरह यहाँ पे एंट्री फीस नहीं है, एंट्री फ्री है, और रानी की वाव से आई गेस 1500 to 1600 meters ही दूर है, तो आप यहाँ पर आराम से वॉक करते हुए भी आ सकते हैं वहाँ से। सो अभी हम वहाँ के रास्ते से नीचे जा रहे हैं, ये पूरा क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है ऐसा गोल है, नीचे से आपको दिखाते हैं। सो कुछ ऐसा लगता है नीचे से, पूरे स्टेप्स बने हुए हैं जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम में गोल होता है, ऐसा पूरा गोल है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डैमेज हो चुका है, और आई गेस मानसून में यहाँ पे पानी बढ़ता है सब बोल रहा था। और ये जो है यहाँ से नहर है जहाँ से पानी जो हमने फर्स्ट आपको दिखाया वहाँ तक पानी जाता है मानसून में। सो ये था सहस्त्रलिंग तालाब, ठीक है, मतलब यहाँ रानी की वाव आ रहे हो तो नज़दीक है 500 meters, तो आप देख सकते हो, बट ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, अनलेस और अनटिल के आप बैठ के यहाँ पे कुछ खा रहे हैं तो आप आगे गार्डन में बैठ सकते हैं, अदरवाइज 15-20 मिनट लगेंगे ये कवर करने में। और ठीक ठाक कंडीशन में आई थिंक अगर मानसून के सीज़न में आ रहे हो और यहाँ पे पानी भरा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब पता चला अंजलि तुझे या एंट्री फी क्यों नहीं रखी? हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ देखने लायक है नहीं, एंट्री फ़ी रखने लायक है ही नहीं कुछ। एटलीस्ट रानी की वाव में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे जाके जान सकते हो, स्ट्रक्चर देख के आपको
बहुत ही मजा आएगा। अगर हिस्ट्री बफ है और प्रिजर्व बहुत अच्छा किया है, अगर आप हिस्ट्री बफ है तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। और यहाँ पे कुछ इतना खास है नहीं। तो हमने जो आपको अभी वो सर्कुलर दिखाया तालाब, वहाँ से ये पूरे रास्ते से पानी होते होते यहाँ तक आता है, क्योंकि ये पूरा जो है वो वहाँ से कनेक्टेड है और वो एंड में जो सर्कुलर तालाब है वहाँ तक जाता है। अब यहाँ से पानी कहाँ जाता है वो हमें पता नहीं है। तो ये है हमारी थर्ड प्लेस जो हम विजिट करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना के कारण बंद है। ये है पाटन पटोला हेरिटेज। ये काइंड ऑफ अ म्यूजियम है और वर्कशॉप है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पटोलास बनते हैं वो पूरा दिखाते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से कलर है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी तो बंद है बट आप ऑनलाइन उसे कॉल करके आ सकते हैं, जब भी आप आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं ओपन है या नहीं है। तो सालवी जो फैमिली है वो यहाँ पे आपको पूरा वर्कशॉप दिखाती है, कौन कौन से क्लोथ्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप की डिज़ाइन होती है, कैसे वो वीव करते हैं और कैसे पूरा जो पटोला उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है। मैंने ऐसा सुना था कि एक पटोला बनाते बनाते आई गेस कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा था ऑनलाइन, मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं ये जो पाटन पटोला हेरिटेज है वहाँ की मुलाकात लेने वाला था जानने के लिए कि कैसे उनकी प्रोसेस होती है। बट आई गेस बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ज़रूर देखने लायक जगह है। तो आप पाटन आ रहे हो तो कॉल करके आप पूछ लेना कि अभी कोरोना की वजह से क्लोज है ओपन है, अभी क्लोज है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है पाटन सिटी म्यूजियम। अब पता नहीं वो भी बंद है या नहीं, जाके चेक करते हैं। तो हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन था पाटन म्यूजियम, सो वो भी अभी बंद है कोरोना के कारण। 1 hour later। तो गाइस 30 किलोमीटर अभी हम लोग पाटन से दूर आ गए, होटल वृंदावन में रुके थे चाय पीने के लिए। हम लोग 4 प्लेस तय करके गए थे वहाँ घूमने के लिए पाटन में, बट अनफॉर्चुनेटली 2 प्लेसेस थी वो बंद थी, सिर्फ रानी की वाव और जो वो लेक है वो 2 ही कवर कर पाए। तो अगर आप लोग पाटन जा रहे हैं अभी नवंबर में या फिर दिसंबर में तो एक बार कंफर्म करके जाइए कि वो दोनों जो प्लेस है, म्यूजियम है और जो पटोला हाउस है, वो दोनों ओपन है या नहीं, क्योंकि वो दोनों भी काफ़ी देखने लायक चीज़ है। तो अगर आप जा रहे हो नेक्स्ट नियर फ्यूचर में तो वो कंफर्म करके जाइए। बाय द वे ये सारे जितने भी प्लेसेस है, रानी की वाव है, लेक है, म्यूजियम है या फिर पटोला हाउस है, वो रानी के वाव से 1 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो एक बार आप रानी की वाव पहुँच गए तब आराम से आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस में ही है सारी चीज़ें, तो कवर कर सकते हैं विद इन 2 आवर्स। सो और एक और चीज़, होटल आसोपालो करके एक होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने खाना खाया था, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो होटल आसोपालो है, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।